18 मई को शिव नाडर यूनिवर्सिटी में छात्रा स्नेहा चौरसिया की हत्या और आरोपी छात्र अनुज सिंह के सुसाइड मामले में पुलिस ने 25 मई को एक और FIR दर्ज की है। यह FIR स्नेहा चौरसिया के पिता की तरफ से 6 लोगों पर दर्ज कराई गई है। इस FIR में मृतक छात्रा के पिता ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और एक अधिकारी का नाम भी शामिल किया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। बता दें कि स्नेहा चौरसिया उर्फ नेहा कानपुर जिले की रहने वाली थी और अनुज सिंह अमरोहा के। दोनों शिव नाडर यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र बीए कर रहे थे और तृतीय वर्ष के छात्र थे। पढ़ाई के दौरान स्नेहा और अनुज के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों कॉलेज कैंपस में भी साथ साथ देखे जाते थे, लेकिन कुछ समय पहले दोनों की ये दोस्ती टूट गई और स्नेहा ने अनुज से ब्रेकअप कर लिया। हालांकि अनुज सिंह स्नेहा से ब्रेकअप के लिए तैयार नहीं था। अनुज को स्नेहा से ब्रेकअप बर्दाश्त नहीं हुआ। अनुज ने स्नेहा के साथ मारपीट की और उसे धमकी भी दी। स्नेहा ने इस बाबत 2 से 3 शिकायत यूनिवर्सिटी प्रशासन से की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्नेहा चौरसिया के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने पहले भी अनुज की मुझसे शिकायत की थी। स्नेहा के पिता ने दावा करते हुए कहा कि आरोपी मेरी बेटी को पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था और उस पर अनैतिक गलत कामों के लिए दबाव डाल रहे थे। इस संबंध में मेरी बेटी ने मुझे सूचित किया था और मैंने आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत की थी। शिकायत के बावजूद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अनुज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी ने मेरी बेटी की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के हत्यारे अनुज ने पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने मेरी बेटी की हत्या का जिक्र किया है। वीडियो में अनुज ने यूनिवर्सिटी के कर्मचारी, एक छात्र और कानपुर के एक व्यक्ति के बारे में भी बात की थी। स्नेहा के पिता ने कहा कि इन तथ्यों से स्पष्ट है कि मेरी बेटी को साजिश के तहत मार डाला गया था। वहीं अब ग्रेटर नोएडा पुलिस ने स्नेहा के पिता की शिकायत पर हत्यारोपी अनुज, यूनिवर्सिटी प्रशासन, यूनिवर्सिटी कर्मचारी आशुतोष पांडे, करण और अंशु के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें, इससे पहले भी मृतक अनुज पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस मामले में SCP ग्रेटर नोएडा सार्थक सेंगर ने कहा कि IPC की धारा 302 हत्या, 354D पीछा करना, 120B आपराधिक साजिश के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर के मुताबिक स्नेहा और अनुज के बीच ब्रेकअप होने के बाद अनुज ने 2 महीने में स्नेहा के साथ 4 बार मारपीट की थी। इस वजह से उसके शरीर पर चोट के निशान भी आए थे। इतना ही नहीं, एक बार गला दबाकर बेहोश भी कर दिया था, जिसके कारण उसे पैनिक अटैक आने लगे थे। मेल में स्नेहा ने बताया था कि अनुज ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी और अपने रिश्ते के बारे में घर वालों को फोन पर बताने को भी कहा था। हालांकि उसने अपनी शिकायत में कहा था कि वह आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहती। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।